गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ। सकारात्मक कुछ भी, नकारात्मक कुछ भी नहीं से बेहतर है। चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके तारे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज 29 सितंबर 2024 द्योदशी है, रविवार का दिन है। राहु काल जो है वो शाम 4:40 से शाम 6:09 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज मघा नक्षत्र है, जबकि चंद्रमा आज सिंह राशि में संचार करेंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज किन राशियों की चमकने वाली है किस्मत। सबसे पहले बात मेष राशि की। दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। नए काम की शुरुआत में कुछ व्यक्तियों से मदद भी लेनी पड़ सकती है। आज बिजनेस कर रहे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट आपके लटकने की संभावना बन रही है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। किसी भी स्थिति में आज आपको अपने समय का ख्याल रखना है। अगर आप समय का ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर है नुकसान तय है। वृष राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आप आज ऊर्जा से भरपूर होंगे। दिन बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको अपनी आय को बढ़ाने के नए नए स्रोत मिलेंगे। अगर परिवार के सदस्यों में कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था तो वो भी यहाँ पर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य भी आज आपका साथ देगा। व्यापार में नए प्रोजेक्ट्स आपको फायदा देकर जाएंगे। वहीं दफ्तर में मान सम्मान में बढ़ोतरी के साथ प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। बस आज आपको कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझकर करने की जरूरत है। आज परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर भी पूरा ध्यान देने की जरूरत है। आज अगर आप दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का है, इसलिए अपनी समझ से फैसला लें। आज कोई उलझन आपको दिन भर तंग कर सकती है। इस उलझन को दूर करने के लिए भी आप अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए जरूरत है ध्यान और योग की। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप आज थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, जिससे आपको जो है काफी आसानी से आपके अटके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यात्रा भी फलदायी रहने वाली है। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, कुछ नया करने की कोशिश में आज आप अपना समय लगा सकते हैं। बिजनेस में आपको पार्टनरशिप में कोई काम सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है। किसी बड़े निवेश की तैयारी भी आज आप बहुत सोच विचार कर ही कीजिए, क्योंकि बाद में आपको इससे नुकसान होने की संभावना भी बन रही है। आप अपने घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। भाई बहनों का पूरा साथ आज आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आपका दिन भी मिला जुला रहने वाला है। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन कुछ खास रहने वाला है। व्यापार में आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपका कोई नई नौकरी की जो प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी हो सकती है। हालांकि अपने काम को लेकर भाग दौड़ भी अधिक रहेगी, मगर इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज जब आप कोई फैसला लें तो दूसरों की भावनाओं का भी खास ख्याल रखें। आपका कोई भी गलत फैसला ना केवल उन पर खराब असर डालेगा, बल्कि आपको भी मानसिक तनाव देगा। पुराने निवेश के चलते आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज दोस्तों के साथ समय गुजर सकता है। किसी बड़े समारोह या पार्टी का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी आर्थिक सेहत जो है आज वो मजबूत रहेगी। दीर्घ अवधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। ग्रह ये इशारा कर रहे हैं कि धार्मिक क्रियाकलापों की अधिकता हो सकती है। ध्यान धारणा का अभ्यास और दान दक्षिणा देना आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है।
वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चीज़ों को व्यवस्थित करें। जिन लोगों ने किसी से उधार लिया है उन्हें अचानक आज जो है वो पैसा लौटाना पड़ सकता है, इससे आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाएगी। हालांकि घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आज कुछ नया और सृजनात्मक करने के लिए अच्छा दिन है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आज आप किसी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं। और नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनके जीवन में भी तनाव बढ़ने के आसार हैं। बस ऐसे में आपको करना इतना है कि बीती बातों को भूलिए, नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करें। धनु राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का कामकाज आपको काफी ज्यादा आराम देगा। पैसा कमाने के नए मौके भी मिल रहे हैं और ये आपको मुनाफा भी देंगे। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप हालांकि परेशान रह सकते हैं, आपको उनसे बात करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए अचानक की गई यात्रा दौड़ भाग भरी हो सकती है और ये तनाव भी देकर जाएगी। आपके मन में अगर किसी बात को लेकर संशय बना हुआ है तो आप उस काम को बिल्कुल ना करें। कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो सहयोगियों का साथ मिलेगा और आप जो है अपने दफ्तर के कामकाज को आज आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, दिन खुशनुमा रहने वाला है। आपको जीवन साथी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको कोई काम जो है एक साथ आपके हाथ में कई काम लग सकते हैं, इससे उत्सुकता बढ़ सकती है। किसी धार्मिक आयोजन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना जो ख्याल रखने की इच्छा से टकरा सकती हैं। ऐसे में अपने जज्बात को बांधे नहीं और आज वो काम करें जिससे आपको सुकून मिलता है। आर्थिक जीवन में हालांकि खुशहाली रहेगी और इसके साथ ही कर्जों से भी आज आप मुक्त हो सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो देखिए, आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज धन लाभ होने की संभावना बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके गुस्सैल स्वभाव के कारण आपका पैसा कमाने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए और आप तक जो है ये लक्ष्मी ना पहुंच पाए, इसलिए गुस्से पर काबू रखें। घर परिवार के साथ आज आप काफी समय गुजारेंगे और ये एक अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी के साथ खरीदारी मजेदार रहेगी, इससे आप दोनों के बीच में समझ का भी इजाफा होगा। वहीं जीवन की आपाधापी के बीच में आज आप अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। उनके साथ जो आप वक्त गुजारेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि आपने अपने जीवन के कई जरूरी पल गंवा दिए हैं, लेकिन आज परिवार का साथ आपके सारे तनाव को खत्म कर सकता है। मीन राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए, आज गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। आपका चढ़ा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, ये बात आपको समझनी ही होगी। दिन किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आसपास रह रहे लोगों से आप कोई भी जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। बिजनेस भी आपका पहले से ज्यादा दोगुना रफ्तार से ग्रो करेगा, जो आपके लिए जाहिर है खुशी की बात है। लेकिन काम अधिक रहने के कारण आपको कोई शारीरिक समस्या उभर सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। काम के साथ साथ अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक पॉजिटिव थॉट, हमेशा याद रखें आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, और अगर आप में शुरू करने का साहस है तो आप उसे जरूर करेंगे। इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में अभी मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आशा करते हैं आपका आज का दिन मंगलमय होगा। नमस्कार।